हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे एयरलाइंस रिज्यूमे को प्रॉपरली क्रिएट करना। माइसेल्फ अंजलि तोमर, एचआर मैनेजर एट एयरक्यूज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। सो व्हाट इज अ रिज्यूमे? अ रिज्यूमे, जिसे हम सीवी भी कहते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम यूज करते हैं अपने बैकग्राउंड, स्किल्स और अकम्पलिशमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए। इसे कई पर्पस के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली तब जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करें। इसे खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ रिज्यूमे। मेनली रिज्यूमेस के चार टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे। क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे वो रिज्यूमेज होते हैं जिन्हें हम प्रीवियस जॉब्स को ऑर्डर में लिस्ट करते हैं। सेकंड, फंक्शनल रिज्यूमे। फंक्शनल रिज्यूमे वो रिज्यूमे होते हैं जिनमें हम स्किल्स और एक्सपीरियंस पर फोकस करते हैं। कॉम्बिनेशन रिज्यूमे। कॉम्बिनेशन रिज्यूमे वो रिज्यूमे होते हैं जिनमें क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल एलिमेंट्स का ब्लेंड होता है। फोर्थ, टारगेटेड रिज्यूमे। ये वो रिज्यूमे होते हैं जो हम किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं। ये शॉर्ट एंड क्रिस्प होते हैं और अप टू द पॉइंट होते हैं। फर्स्ट, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे। क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। इसे एम्प्लॉयर्स सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें हम अपने प्रीवियस जॉब्स के लिस्ट को ऑर्डर वाइज या फिर ईयर वाइज लिखते हैं, जिसमें हम सबसे ऊपर उन जॉब्स को लिस्ट करते हैं जिन्हें हम रिसेंटली करे होते हैं। इसे कैसे यूज करना चाहिए? फर्स्ट, उन लोगों को जिनके पास एक सॉलिड वर्क एक्सपीरियंस हो। सेकंड, इसमें जॉब स्पेसिफिकेशंस अलाइनमेंट में होने चाहिए, ठीक कर रहे हैं। क्वालिफिकेशंस और एजुकेशनल एक्सपीरियंस आपके जॉब रिक्वायरमेंट्स को रिफ्लेक्ट या फिर मिरर करते हैं। इसे किसे यूज करना चाहिए? इसे बेस्ट रिजल्ट्स जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस जो कि आपके प्रोस्पेक्टिव जॉब रिक्वायरमेंट्स को मिरर करे या फिर रिफ्लेक्ट करे। जब आप एक टारगेटेड रिज्यूमे डेवलप करते हैं तो आपको एक्यूरेट से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इस रिज्यूमे को बनाने के लिए, और ना कि सिर्फ अपने करियर की हाइलाइट्स लिखी जाए। सिर्फ वो चीजें लिखी जाती है जो कि सबसे ज्यादा रिलेटेबल हो प्रोस्पेक्टिव जॉब्स रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। रिज्यूमे फॉर एयरलाइंस इंडस्ट्री। इसका फॉर्मेट मोस्ट प्रेफर्ड या फिर यूज फॉर्मेट होता है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल। कुछ और रिज्यूमे फॉर्मेट्स जो कि आप यूज कर सकते हैं, उसमें से फर्स्ट है फंक्शनल रिज्यूमे। इसमें आपको स्किल्स रिक्वायर्ड लिखनी होती है और वर्क एक्सपीरियंस मेंशन नहीं करना होता। कॉम्बिनेशन रिज्यूमे, इसमें आप दोनों पर फोकस करते हैं, स्किल्स पर और एक्सपीरियंस पर। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि ऑप्शनल होती है, जिसमें आप लिख सकते हैं अवार्ड्स और सर्टिफिकेशंस, एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस और इंटरेस्ट एंड हॉबीज। थिंग्स जो कि हमें इंक्लूड करनी होती है या फिर अवॉइड करनी होती है अपने रिज्यूमे में। फर्स्ट, फोटो। एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए प्रोफेशनल अटायर में, जिसकी साइज शोल्डर हाइट तक की होनी चाहिए। ये पिक कोई हॉलीडे फोटो या फिर कोई इनफॉर्मल अटायर या फिर कैजुअल अटायर या फिर अनप्रोफेशनल लुक वाली नहीं होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स। कुछ एयरलाइंस अपने केबिन क्रू के मेंबर्स को प्रेफर करती है एक सर्टेन हाइट का होना,
तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी हाई डिटेल्स जरूर मेंशन करें। ऑल्सो यू शुड ऐड अदर स्पेसिफिक डिटेल्स जो कि आपके जॉब एप्लीकेशन से रेलेवेंट हो, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस जो कि आप बोल सकते हैं, या फिर आपकी स्विमिंग एबिलिटी। प्रोफेशनल प्रोफाइल, आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही ब्रीफ, कंसाइज या टू द पॉइंट होना चाहिए, जो कि आपके सीवी के टॉप पर लिखा जाएगा, जो कि यूजुअली 75 to 125 वर्ड्स का होता है लेंथ में। इसमें आपको अपने बारे में लिखना है और आप क्या ऑफर कर सकते हैं इस बारे में लिखना है। एग्जाम्पल, आप अपने कस्टमर सर्विस स्किल्स के बारे में लिख सकते हैं या फिर अपने प्रीवियस वर्किंग रूट्स के बारे में भी बता सकते हैं। आपको क्या अवॉइड करना है? आपको इररिलेवेंट स्टफ या फिर वेग डिटेल्स जो कि आपके प्रोफाइल के लिए जरूरी नहीं है, उन्हें मेंशन करना अवॉइड करना चाहिए और सिर्फ वो डिटेल्स देनी चाहिए जो कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो। वर्क एक्सपीरियंस, आपको एक वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन हमेशा ऐड करना चाहिए, जिसमें कि आपको बुलेट पॉइंट्स यूज करने चाहिए अपने एक्सपीरियंस को बताने के लिए। इसमें आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और साथ ही जो अचीवमेंट्स थे, उन्हें मेनली मेंशन करना चाहिए, बजाय के इसके कि आप डिटेल में सब कुछ लिख दें। अगर आप इंडस्ट्री में नए हैं तो आपको एजुकेशनल प्रोफाइल या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से शुरुआत करनी चाहिए। आपको अपने ट्रांसफरेबल एक्सपीरियंस स्किल्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन्हीं पर फोकस करना चाहिए। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशंस, आप अपने क्वालिफिकेशंस को इंक्लूड कीजिए जो आपने अचीव किया है, आपके मोस्ट रीसेंट क्वालिफिकेशंस को ऐड करते हुए, उनसे स्टार्ट करते हुए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और साथ ही अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के नेम्स मेंशन कीजिए। सेकंड, आप कोई भी सर्टिफिकेशन या फिर लाइसेंस जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, उन्हें स्पेसिफाई कीजिए। कोई ट्रेनिंग जो आपने ली हो, जो उस इंडस्ट्री से रिलेवेंट हो, उसको मेंशन कीजिए। स्किल्स जो कि रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके रिज्यूमे में फॉर एविएशन इंडस्ट्री, फर्स्ट इज कस्टमर सर्विस। इस इंडस्ट्री में फंडामेंटली पॉजिटिव प्लेजेंट एक्सपीरियंस कस्टमर्स के लिए होना चाहिए, वाइल आप उनकी सेफ्टी को इंश्योर करें। तो ऐसी स्किल्स को हाईली इफेक्टिव मैनर में हाईलाइट कीजिए जो कि आपकी कस्टमर सर्विस स्किल्स को मेंशन करें। कम्युनिकेशन, आपको सेफ्टी और इमरजेंसी प्रोसीजर्स को पैसेंजर्स के साथ कम्युनिकेट करना होगा और साथ ही अपने कलीग से भी इंश्योर करना होगा केबिन टास्क की एफिशिएंसी के बारे में, और इसलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेमोंस्ट्रेट कीजिए अपने रिज्यूमे में, जिससे कि इंटरव्यूअर का ध्यान आपके वर्क और नॉन वर्क एक्टिविटीज के तरफ ड्रॉ हो सके। प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म एयरलाइन का फेस माना जाता है। आप एक की रोल प्ले करते हैं ये डिटरमाइन करने में कि कस्टमर्स आपकी एयरलाइन के बारे में क्या सोचते हैं। तो आप उन एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट कीजिए जहां पे आपने प्रोफेशनलिज्म को डेमोंस्ट्रेट किया हो। टीम वर्क, आप अपने टीम वर्क स्किल्स पर इंटरव्यूअर का ध्यान ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। आप उन एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड कीजिए जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट के अलावा भी हो। चाहे आपने किसी रग्बी टीम को लीड किया हो सक्सेस की तरफ, या फिर आपने अपने क्लासमेट्स या फेलो स्टूडेंट्स के साथ किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में साथ दिया हो यूनिवर्सिटी में। अडैप्टेबिलिटी, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डेज ऑफ
is comparison to the average office worker, जिसे कि 96 अराउंड डेज मिलते हैं ऑफ अरियर, जो कि अडाप्टेबल होते हैं आपके प्लान से. यहाँ पर फ्लाइट डिलेज भी कॉमन होते हैं एंड आपको प्रिपेयर होना चाहिए उन चेंजेस के लिए जो कि आपके प्लान में हो सकते हैं सिर्फ किसी शॉर्ट नोटिस पर. आप उन चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट कीजिए जो कि आपकी अडाप्टेबिलिटी को दर्शाएं अपने सीवी में, ताकि आप उन चीज़ों को स्पेसिफाई करें जब आपने कोई नया परफॉर्म टास्क परफॉर्म किया हो, या फिर कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हो, या फिर आपने ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस डेवलप किए हो किन्हीं प्रॉब्लम के लिए. टिप्स फॉर योर रिज्यूमे. उन एप्लीकेंट्स के लिए जिनके पास प्रायर फ्लाइट अटेंडेंट एक्सपीरियंस हो, अगर आप पहले एज अ फ्लाइट अटेंडेंट एम्प्लॉयड हो चुके हैं किसी भी इंडस्ट्री में, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी रिलेटेड फील्ड से, तो आप इन डिस्क्रिप्शंस को डायरेक्टली अपने सीवी में यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. फर्स्ट, एक्सपीरियंस एंड आउटगोइंग प्रोफेशनल सीकिंग अ पोजीशन एज अ फ्लाइट अटेंडेंट विद से XYZ एयरलाइंस, वेयर आई कैन यूटिलाइज my diverse customer service skills and demonstrate my calm and reassuring demeanor in emergency situations. Energetic, friendly, customer-oriented professional looking to fill the flight attendant position with XYZ Airlines. Experienced professional seeking a senior flight attendant position with, say, XYZ Airways, offering impeccable customer service skills, a friendly, charming, and warm personality, a can-do attitude, and previously demonstrated ability to stay calm and also assist passengers even in an emergency landing situations. Un applicants ke liye jo ki entry level par hon, agar आप फ्लाइट अटेंडेंट की पोजीशन सीक कर रहे हैं एंट्री लेवल पर और आपके पास कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ये डिस्क्रिप्शंस यूज कर सकते हैं अपने सीवी में अकॉर्डिंग टू योर नीड. जैसे कि आउटगोइंग रिलायबल प्रोफेशनल सीकिंग एंड एंट्री लेवल पोजीशन इन द एयरलाइन इंडस्ट्री वेयर माई हॉस्पिटैलिटी एंड कस्टमर सर्विस स्किल्स विल बी पुट टू गुड यूज. रिस्पॉन्सिबल individual looking to fill the position for a flight attendant with XYZ airline, eager to learn and ready to work hard to attain customer satisfaction through the utilization of my dynamic and warm personality and customer service protocols. And also like young professional seeking the flight attendant position with XYZ airlines, where I can build upon my knowledge of customer service and the airline industry while ensuring each passenger's needs are met and their experience is satisfactory. Conclusion. आप इस तरह के CV templates खुद create कर सकते हैं कई online platforms पर. अभी तक discuss किए points को ध्यान में रखकर आप अपने जॉब रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं. आप इररिलेवेंट टॉपिक्स या फिर वेग टॉपिक्स को अवॉइड कीजिए जो कि आपके जॉब रिक्वायरमेंट्स को मैच नहीं करते. साथ ही अपने इंट्रो को प्रिसाइज या फिर कंसाइज रखिए. थैंक यू.